नमस्कार। आज की कविता है आलोक धनवा के द्वारा लिखी गई पतंग। इस कविता में फर्स्ट स्टेंजा जो है, सबसे तेज बोछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। भादव का महीना जो होता है उसमें तेज बारिश होती रहती है और वह अब चला गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, यानी कि अभी सर्दी की ऋतु आ गई है। और सुबह का समय जो है वो कैसा है, खरगोश की जैसी आँखें होती हैं कुछ लाल सी, वैसा सवेरा जो है अभी पुलों को पार करते हुए आ गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटे बजाते हुए जोर जोर से, जो शरद ऋतु आई है वह कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा है कि उसमें बहुत तेज चमक है। उसकी तुलना एक साइकिल चलाते हुए बच्चे से की है जो बहुत तेज तेज घंटियां बजाते हुए आया है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और उसकी साइकिल में इतनी तेज चमक है कि वह अपने आप को पास बुला रहा है हमें, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। यह मौसम बच्चों को इनवाइट कर रहा है, अपने इशारों से बुला रहा है। मौसम में बहुत तेज चमक है और आकाश जो है उनकी पतंग उड़ाने के लायक हो गया है, इसलिए शरद ऋतु बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए चमकीले इशारों से बुला रही है। और शरद ऋतु का मौसम जो है वो बिल्कुल मुलायम हो गया है, उसमें आकाश जो है बिल्कुल इतना सॉफ्ट हो गया है कि बच्चों की पतंग जो है वो आसानी से उड़ जाएंगी। कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। मौसम कैसा है कि पतंग आसमान में ऊपर उठ जाए। दुनिया में बहुत ही हल्की होती है, रंगीन होती है यह चीज़, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। पतंग का कागज़ जो होता है बहुत ही पतला सा होता है और रंगीन होता है, हल्का होता है। मौसम कैसा है कि आकाश ऐसा हो गया है जिसमें ये रंगीन, हल्का और पतला कागज़ अभी उड़ने की स्थिति में आने वाला है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। पतंग में एक पतली सी कमानी लगी हुई होती है जो उसे उड़ने में मदद करती है। शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। पतंग उड़ेगी तो बच्चे किलकारी मारते हैं, सीटी बजाते हैं, उनमें उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाता है। और मौसम में धूप की चमक जो होती है वह बच्चों को सीटियां और किलकारियां मारने के लिए बुलाती है, क्योंकि जब वो पतंग उड़ाएंगे और उनकी पतंग उड़ जाएगी तो एक अजीब सा कोलाहल मौसम में आ जाएगा। खेलने के इशारे चल रहे हैं, पतंगबाजी का माहौल बना हुआ है। और खुद शरद ऋतु चमकीली धूप के कारण बच्चों को इनवाइट कर रही है कि वो पतंग उड़ाएं। और जब पतंग उड़ेंगी तो वो उनकी तुलना तितलियों से की गई है। तितलियों की नाजुक दुनिया, यानी कि तितली जितनी सॉफ्ट होती हैं, नाजुक होती हैं, उतनी ही पतंग भी कोमल होती है। और पतंगों की दुनिया जो है, पतंगों का रंगीन और सुंदर संसार जो है वो आकाश में तितलियों की तरह मंडराएगा और लहराएगा। यहाँ पर शरद ऋतु की तुलना साइकिल चलाते हुए खुशनुमा बच्चे से की गई है। खुशनुमा बच्चा कैसा, जो पतंगबाजी का आनंद लूटना चाहता है, क्योंकि शरद ऋतु में आकाश आनंद, मस्ती और पतंगबाजी से भरपूर हो जाता है। सुबह सवेरे की उपमा खरगोश की आंखों से दी गई है। इसमें रंग, प्रसन्नता और चमक की समानता के कारण उपमा बहुत अच्छी बनी है। खरगोश की आंखों से तुलना की है सुबह सवेरे की। और पुल को पार करते हुए साइकिल लिया हुआ यह बच्चा आया है, जोर जोर से घंटी बजा रहा है ताकि सभी बच्चे एकत्रित हो जाएं।
सभी बच्चे आ जाएं पतंग उड़ाने के लिए। और चमक कर यानी धूप की चमक जो है वो बच्चों को बुला रही है कि चलो पतंग उड़ाते हैं। इस प्रकार से कवि ने शरद ऋतु की तुलना साइकिल पर आए हुए बच्चे से की है जो पतंग उड़ाना चाहता है। शरद काल का मौसम जो है बहुत कोमल हो जाता है, तेज धूप खिल जाती है, मौसम निर्मल हो जाता है और इस प्रकार से पतंग उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीयकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इसमें बिंब जो है वो तेज गति से साइकिल चलाना और घंटी बजाने में श्रव्य बिंब है, यानी कि सुनने योग्य बिंब प्रयुक्त हुआ है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरफ बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, यानी कि उनके जन्म जब होते हैं तो वो जन्म से ही अपने शरीर में कपास लेकर के आते हैं। कपास लेकर के आने का मतलब होता है कि वो हर प्रकार की चोट और खनोच को सहने योग्य होते हैं। छोटे बच्चों के जो है चोट थोड़ा जल्दी वो सहन कर लेते हैं, उन्हें इतनी अधिक नहीं लगती है। और उनके पाँव में एक बेचैनी होती है। कैसी बेचैनी होती है कि वो हर कहीं दौड़ करके जाना पसंद करते हैं, जैसे कि सारी पृथ्वी को वही नाप लेना चाहते हैं, मानो सारी धरती पर वो घूम करके आ जाना चाहते हैं। और जीवन में उनके एक मदहोश मस्ती होती है, धूप गर्मी कठोर छत आदि दीवार कुछ भी उन्हें उसका कुछ बोध ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता कि इससे उन्हें चोट लग जाएगी। छतों पर तो वे ऐसे दौड़ते हैं जैसे छतें बिल्कुल नरम हो, और नरम पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। जब वो अपने दौड़ते हैं बेशुद्ध होकर के तो छतों को भी कैसा बना देते हैं, नरम बना देते हैं। और जब वो चलते हैं तो एक झोंके के समान चलते हैं, झूमते हुए चलते हैं। खतरनाक किनारों पर पतंग के जो पीछे जाते हैं तो उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि वो गिर जाएंगे, और एक लचीली डाल की तरह वो अपनी गति में झूलते रहते हैं। छतों पर जो बच्चे पतंग लूटते हैं उनकी गति कैसी होती है, लचकीली होती है, और इतना खतरा वो उठाते हैं कि फिर भी वो बच जाते हैं, और पतंग के ऊपर जाती हुई धड़कनें उन्हें गिरने से रोके रखती हैं। वो अपने आप को भी संभालते हैं और पतंग पर भी उनकी पूरी दृष्टि होती है। पतंग मानो अपनी डोर के सहारे इन तिरंगित बच्चों को संभाले रखती है। उन्हें देख करके कैसा लगता है कि ऐसा लगता है कि पतंग ने ही उन्हें संभाल रखा है। बच्चे जन्म से ही खरोंच आदि सहने के आदि होते हैं, आपको पता है, तो वो किस प्रकार से छत पर दौड़ लगाते हैं पतंग को पकड़ने के लिए, उनमें कितना जोश होता है, और उनके जोश जो है शरीर का जोश और उनकी चोट सहने की क्षमता जो है वो उन्हें पतंग के लूटते समय छत से गिरने से भी बचाती है। लगता ऐसा है कि पतंग उन्हें बचा रही हो। बेसुध होना यानी तल्लीन हो जाना, मग्न हो जाना पतंग लूटने में। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। उनका शरीर जो है बहुत ही लचीला हो जाता है, उनमें सहनशीलता आ जाती है, कष्ट रोधी शक्ति आ जाती है, यानी कि वो कष्ट सहन कर सकते हैं। इस प्रकार से पतंग लूटते समय वो गिरते नहीं हैं। यहाँ पर छतों को भी नरम बनाते हुए इस वाक्य में स्पर्श बिंब का प्रयोग किया गया है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कैसा लगता है कि वो पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं, अपने रंध्रों के सहारे, यानी उनके शरीर में जो छेद हैं, रंध्र हैं, छिद्र हैं, रोएं हैं, उनसे निकलने वाला जो संगीत है वो उसके सहारे उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से,
अगर वो कभी ऐसा करते हुए छत की खतरनाक जो दीवारें हैं उनसे गिर जाते हैं और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। गिरकर भी वो बच जाते हैं, उसके बाद उनका डर बिल्कुल दूर हो जाता है। वे पहले से भी अधिक डर को भूल जाते हैं और अधिक उत्साह के साथ सुनहले सूरज के समान वो चमकने लग जाते हैं। उनकी चमक और भी बढ़ जाती है पतंग को देख करके। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तब ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो है उनके पास आ गई हो, यानी उनकी चाल जो है इतनी तेज़ हो जाती है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी स्वयं उनके पास आ गई हो और वे बहुत तेज़ तेज़ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। उनका उत्साह बहुत अधिक बढ़ जाता है। छतों पर खेलते हुए बच्चे पतंग के साथ खुद भी उड़ते हुए से लगते हैं। और किसके सहारे उड़ रहे हैं? उनके शरीर में जो रोएं हैं उसमें से एक संगीत निकल रहा है, उसके सहारे वो उड़ते हैं। पृथ्वी घूमती हुई, इसमें पृथ्वी नहीं घूम रही है लग रहा है, क्योंकि बच्चे अधिक गति से घूम रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि वो स्वयं घूम रही हैं, जबकि अन्य चीज़ घूम रही होती है तब हमें ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन में बैठते हैं तो पेड़ चलते हुए लगते हैं, लेकिन पेड़ नहीं चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है। उसी प्रकार पृथ्वी घूम रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन बच्चे चल रहे हैं। यहाँ पर मानवीकरण संज्ञा का प्रयोग किया गया है। इस पद में पुनरुक्ति साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सुनहले सूरज में अनुप्रास का सौंदर्य देखते ही बनता है। प्रश्न आ जाता है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए, जब भादो का मास चला जाता है, यानी भादो जो होता है उस समय पर घनघोर बारिश होती है और वह चली जाती है, समाप्त हो जाती है, तब उसके बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में सुबह सवेरे का जो मौसम होता है वो खरगोश की आंखों की तरह लाल होता है, थोड़ा सा लाल भूरा सा होता है और वातावरण बिल्कुल स्वच्छ धुला धुला सा हो जाता है, क्योंकि तेज बारिश अभी चली गई है। इस मौसम में तेज धूप होती है और हवाओं में एक मनोरम चमक सी महक सी फैल जाती है। इसके कारण से आकाश और भी मुलायम हो जाता है, हवा के झोंके चलने लगते हैं। यही मौसम होता है कि हम पतंगबाजी करें, यानी पतंगबाजी करने के लिए यह बहुत अच्छा मौसम होता है। दूसरा प्रश्न है, सोच कर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। कवि जो है चाहता है कि जो पढ़ रहा है कविता को, उसके सामने पतंग का रूप साकार हो जाए और ध्यान खींचने के लिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन, सबसे पतला, सबसे पतली इन चीज़ों का प्रयोग करता है ताकि पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, इस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, कपास जो होती है कॉटन, यानी जब कपास उगती है तो बहुत हल्की होती है, बहुत मुलायम होती है, गद्देदार होती है और चोट को सहने में समर्थ होती है। और यही गुण बच्चों में भी होता है, वो हल्के फुल्के होते हैं, थोड़ी चोट भी लग जाए तो उसे सहन कर लेते हैं और उनके पाँव की तलियों में मानो कपास के गद्दे लगा दिए हों, यानी वो चलते हैं तो उन्हें चोट कम लगती है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई से भी वो कूद जाते हैं तो उन्हें चोट नहीं लगती है, बल्कि छत ऐसी लगती है कि वो मुलायम है, जबकि छत ऐसी नहीं है, उनके पैरों में ही कुछ ऐसा होता है जिससे ये लगता है कि छत जो है मुलायम हो गई हो। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, यह प्रश्न भी आ जाता है। तो इसमें बच्चों का पतंग के साथ उड़ान का संबंध बताना है। लगता कैसा है? जब पतंग ऊपर जाती है तो लगता है कि बच्चे भी उसके साथ साथ जा रहे हैं। आपने कटती हुई पतंग को देखा होगा, बच्चे उसके साथ भागते हैं।
तब लगता है कि बच्चे भी पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं। दोनों में समानता पाई जाती है। पतंगों के साथ बच्चे उड़ते हुए से लगते हैं, प्रतीत होते हैं, वास्तव में नहीं उड़ रहे हैं, बल्कि वो देख करके उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें गिरने का भय नहीं है और पतंग के साथ साथ चल रहे हैं। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? आसमान में जब रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हैं तो आपको भी लगता होगा कि काश मैं पतंग होता, पतंग नहीं तो पक्षी होता और उसकी डोर मेरे हाथों में होती। पतंग का प्रतिपाद्य लिखने के लिए आ जाता है। इसमें हम पूरी कविता का सारांश बता सकते हैं। इस कविता में वर्षा ऋतु के बाद सुहाना जो मौसम आ जाता है उसमें बच्चों का उत्साह दिखाया गया है। किस प्रकार वो छतों पर भागकर दौड़ करके पतंग को उड़ाते हैं और पतंग कट जाती है तो उसे लूटने के लिए दीवारों से गिर भी जाते हैं, गिर कर भी वो बच जाते हैं तो उनमें और अधिक शक्ति आ जाती है। मौसम जो होता है, भादो चला जाता है, भादों की बारिश के कारण शरद ऋतु बहुत खिली खिली लगती है और धुली हुई सी लगती है। भादवे की बारिश जो होती है मौसम को बिल्कुल धुला साफ बना देती है। उसके बाद जो धूप होती है वो बहुत ही चमकीली होती है और ऐसा लगता है कि कोई साइकिल चलाता हुआ बच्चा आ गया हो। यहाँ पर मौसम की तुलना साइकिल चलाते हुए बच्चे से की गई है। जो भादों का सवेरा होता है, भादों के बाद का जो सवेरा है उसकी तुलना खरगोश की लाल आंखों से की है। धूप की चमक खिली हुई होती है और बच्चों को इशारों से बुलाता है, साइकिल की तेज घंटियां बजाता है कि आओ चलो सभी बच्चे मिलकर के पतंग उड़ाते हैं। इस खिली हुई धूप के कारण आकाश जो है बिल्कुल मुलायम सुंदर स्वच्छ हो जाता है, जो पतंग को उड़ने के लिए एक बेस्ट मौसम है, सबसे अच्छा मौसम है उस समय के लिए ये उपयुक्त होता है। और आकाश में पतंगें उड़ने लगती हैं, हल्की रंगीन और पतली कमानी वाली। बच्चों के झुंड आ जाते हैं सीटियां बजाते हुए, किलकारियां मारते हुए, और ऐसा लगता है पतंग को उड़ते हुए देख करके कैसा लगता है मानो आकाश में तितलियाँ सी उड़ने लगी हों। बहुत सारी तितलियाँ एक साथ आसमान में नज़र आने लग जाती हैं। बच्चे कठोर छत पर कूदते फांदते हैं मानो उनके पाँव में कपास लगी हो और वे बेसुध हो जाते हैं। उन्हें अपनी कोई खबर ही नहीं होती है। उनकी पदचिन्हों की आवाज़ से, पदचाप की आवाज़ से छतें नरम हो जाती हैं। चारों दिशाओं में मानो संगीत बजने लग जाता है। और अगर वो छत से गिर भी गए, गिर कर भी बच गए, तो उनकी आँखों में, उनके चेहरे पर एक बिल्कुल नई चमक आ जाती है और वो पहले से भी अधिक निर्भीक हो जाते हैं। डरते नहीं हैं, उनका डर चला जाता है। ऐसा लगता है कि उनके पैर मानो सारी धरती पर घूम आने के लिए बेचैन हो गए हों। अब वो क्या चाहते हैं कि सारी पृथ्वी को अपने पैरों से नाप लें, पृथ्वी कैसी लगती है घूम कर उनके पास आ गई हो। यानी कि यहाँ पर पृथ्वी चलती हुई लगती है जबकि वो बहुत तेज़ी से चलते हैं पतंग के पीछे पीछे, यंत्र की भांति, जैसे कोई मशीन चल रही है। पतंग उड़ाते समय वो पूरा ध्यान जो है उनका पतंग की ऊंचाई पर रखते हैं। आपने भी ये चीज़ नोट की होगी। पतंग का नियंत्रण उनके हाथों में होता है और इतने कुशल होते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। और जो तेज धूप है उस समय की, जो तेज़ धूप है उनका रंग भी काला कर देती है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं होती है और उनका पूरा ध्यान पतंग पर ही होता है, धागे पर नियंत्रण होता है उनका। पतंग कट जाती है तो पीछे दौड़ते हैं, गिरने का भी उन्हें भय नहीं सताता है। प्रश्न आ जाता है, पतंग उड़ाते बच्चों की बेसुधी का वर्णन कीजिए।
बच्चे उस समय पर पूरी तरह से पतंगबाजी में मग्न हो जाते हैं। उन्हें न खाने की सुध रहती है, न और किसी चीज़ की, न किसी चोट का भय रहता है। ऐसा लगता है पतंग के साथ पतंग हो जाते हैं, यानी जैसे पतंग हल्की फुल्की होती है वैसे ही उन्हें देख करके लगता है कि वो खुद पतंग हो गए हैं, यानी बहुत हल्के हो गए हैं। और जब वो पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो खुद ही आकाश में उड़ रहे हैं। उनकी दीन दुनिया कुछ भी उन्हें याद नहीं रहता है। भूख प्यास, गर्मी, धूप, कंकड़, पत्थर, पाँव में चोट लगना, खतरनाक दीवारों पर चढ़ना और चलते चलते दीवारों से कूद जाना, यहाँ तक कि पतंग के लिए छतों से भी कूद जाते हैं बच्चे। और इस तरह से वास्तव में वे पतंग डोर की लय के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाते हैं, यानी उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, पतंग के साथ पतंग जैसा ही बन जाते हैं। एकाकार होना यानी पतंग के साथ पतंग बन जाना। कभी कभी प्रश्न आ जाता है, ये बच्चे निर्भीक कब हो जाते हैं? जब कभी बच्चे छत की खतरनाक दीवारों पर से गिर जाते हैं। एक बार गिर जाते हैं, गिरकर भी बच गए। बहुत बार आपने ध्यान किया होगा, बच्चों की आदत होती है कि छत से गिर गए, दीवार से गिर गए और फिर उठ के भग खड़े हुए। भगने पर भी माता पिता की डांट और लगती है। बच भी जाते हैं तो उन्हें लगता है कि तुम्हें तो ना लगी, ना तुम कुछ हुआ तुम्हें, तो आत्मविश्वास जो है और बढ़ जाता है, यानी खतरे का जो काम किया है उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इस तरह वो पूरी तरह से निडर हो जाते हैं, उनका डर निकल जाता है। जब डर उनके मन से चला ही जाता है कि एक दीवार मैंने फांद ली तो अब मैं दूसरी दीवार भी फांद सकता हूँ आसानी से, इस प्रकार से उनका आत्मविश्वास बहुत अधिक हो जाता है। वे फिर सूरज की सुनहली धूप से भी आगे बढ़ने का बल पा लेते हैं, यानी कि उनमें धूप से भी ज़्यादा शक्ति आ जाती है गिरकर बचने के कारण। मानव का स्वभाव होता है, एक बार जब वो खतरों से गुजर जाता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता है तो उसमें ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, आत्मविश्वास उसमें आ जाता है। वही चीज़ बच्चों में भी बताई है, निर्भीक होना यानी बिल्कुल निडर हो जाते हैं, डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ से। इस प्रकार से एक और प्रश्न है, किशोर और युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक है, पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए, CBSE MTP में क्वेश्चन आया हुआ है। किशोर और युवा वर्ग देखिए निडर होकर के खतरे उठा सकते हैं, इनमें खतरा उठाने की एक शक्ति होती है, क्षमता होती है, वह अपनी धुन में मस्त होकर के कर्म करना जानता है। आकाश छूना, आकाश में उड़ना और उठना चाहता है, यही इच्छा व्यग्रता समाज को आज जिसकी ज़रूरत है। यदि समाज इन किशोरों से उनकी साहसपूर्ण मस्ती सीख ले तो सारा समाज बदल सकता है, यानी जो कुछ अंधेड़ उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो इन युवाओं से, इन किशोरों से कुछ सीख ले लें, इनके साहस से कुछ सीखें, तो निश्चित रूप से समाज में कुछ परिवर्तन आने संभव हैं। पतंग कविता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक बार खतरा उठाएंगे, खतरनाक दीवारों से गिरेंगे, अगर कुछ नहीं होगा तो आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। प्रश्न है, बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में, पतंग कविता के आधार पर इसका उत्तर देना है। बच्चे जब दीवारों से कूदते और फलांगते दौड़ते भागते हैं, फिर भी उनकी तलियां जो होती हैं, पैरों की हील्स, तलवे जो होते हैं, उसमें चोट नहीं लगती है। चोट क्यों नहीं लगती है? एक तो वो उमंग में होते हैं, जब उमंग में आप कोई कार्य करते हैं तो आपको चोट का ध्यान नहीं होता है, इसलिए कवि कहता है कि बच्चों के पाँव में कपास लगी हुई है।
जैसे कपास नरम होती है, गद्देदार होती है, कपास को चोट नहीं लगती है, बहुत हल्की होती है, कोमल होती है, उसी प्रकार से बच्चों की तलवों में कपास लगी हुई है, इसलिए वो दौड़ते भागते कूदते फांदते हैं तो वो चोट नहीं उन्हें लगती है और वे अपने धुन में ही निरंतर भागते रहते हैं। कैसे भागते रहते हैं कि मानो पूरी पृथ्वी पर ही वो घूम आएंगे। बेचैनी उनकी इतनी होती है, वो मौसम नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कोई खतरा है, भूख है, प्यास है, दिन है, दुनिया है, धूप है, उन्हें उस बात से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए कवि उन्हें क्या कहता है, बेचैन कहता है। भादों में बारिश ज़्यादा होती है। देखिए एक प्रश्न आ जाता है, भादों और शरद ऋतु में क्या अंतर है। भादवा ऋतु में बहुत तेज बारिश होती है, तीखी बौछारें आती हैं और शरद ऋतु में धूप खिल जाती है। उस समय पर पतंगबाजी का माहौल बन जाता है, बच्चे पतंग उड़ाने के लिए छतों पर आ जाते हैं क्योंकि आकाश साफ हो जाता है और धूप तेज हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों पर पतंग डोर की लय का ये प्रभाव होता है।